कि ऐसे में हालात रूस लगातार हुई पूछताछ में जो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है वो खुलासा ये कि इनका यूक्रेन का ऑपरेशन 30 अप्रैल क्या 6 दिन पहले हो गया फेल? जेलेंस्की का 30 अप्रैल प्लान आखिर क्यों हो गया नाकाम? जेलेंस्की का काउंटर मिशन नेटो के धोखे से खत्म। यूक्रेन की संपूर्ण तबाही तय हो गई है? यूक्रेन विनाश की घड़ी बहुत नजदीक आ गई है। वार जोन से जो रिपोर्ट आई है वो ऐलान कर रही है कि यूक्रेन का अंत बहुत निकट है। अप्रैल को कीव क्रीमिया पर भीषण प्रहार करने वाला था लेकिन जेलेंस्की का क्रीमिया प्लान फ्लॉप हो गया है। जेलेंस्की का काउंटर प्लान इसलिए फेल हुआ क्योंकि नेटो ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। यूक्रेन का काउंटर प्लान क्यों आखिर कैसे फेल हो गया ये तो हम आपको इसकी वजह बताएंगे, लेकिन पहले जेलेंस्की की वो वॉर स्ट्रेटजी भी जान लीजिए जो क्रीमिया को तबाह करने के लिए बनाई गई थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि 30 अप्रैल से यूक्रेन बहुत बड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने वाला था। रूस को बैकफुट पर लाने के लिए यूक्रेन के पास अटैक के 3 ऑप्शंस हैं। पहला, रूस पर ऑल राउंड अटैक यानी भीषण प्रहार। दूसरा, दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में एक साथ हमला। तीसरा, दक्षिण और पूर्वी हिस्से में छोटे पैमाने पर अटैक। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की सेना हमले के तीसरे विकल्प को अपनाने वाली थी। इसके तहत वो